नमस्कार, पल पल टॉप टेन में बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। सिंधी युवा संस्था के द्वारा शहरवासियों को निशुल्क पिलाया जा रहा घूम घूम कर मटके का ठंडा पानी, संस्था के सार्थक प्रयासों की लोग कर रहे हैं सराहना। जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ समिति और अन्य संस्थाओं ने प्रदीप पटेल को किया सम्मानित, कहा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार को लगातार कर रहे अवगत। पीड़ित महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप, कहा बार बार प्रताड़ित कर जान से मारने की कोशिश। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पब्लिक प्लेस में लगाई गई दुकानों को लेकर कलेक्टर ने दुकानदारों को लगाई फटकार, चेतावनी देते हुए कहा अलग नहीं की दुकान तो होगी कार्रवाई। आकिब अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई शासकीय भूमि, 4 करोड़ की 2.5 एकड़ भूमि पर बदमाश ने किया था कब्जा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इलाहाबाद बैंक से आया फ्रॉड का मामला, 26 और 27 अप्रैल को यूपीआई के माध्यम से निकाले गए 2 लाख रुपए। ईओडब्ल्यू ने करकबेल नरसिंहपुर के कनिष्ठ यंत्री के गढ़ा स्थित मकान पर दी दबिश, आरोपी ने बरगी निवासी जगदीश सिंह राजपूत से मांगी थी 15,000 रुपए की रिश्वत। रांची के अस्पताल में राजेश भावसार की हुई मौत के बाद जागा जिला प्रशासन, अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर और विधायक ने लेट आए डॉक्टरों की लगाई फटकार। गुप्तेश्वर स्थित सीठी नगर में देर रात 4 पहिया वाहन में अज्ञात कारणों से लगी आग, कार के मालिक ने जताई आशंका, कहा आपसी रंजिश के चलते कार में लगाई गई है आग। सिंध समाज सैलून वेलफेयर एसोसिएशन ने धूमधाम से मनाई संत शिरोमणि श्री सीन जी महाराज की 722वीं जयंती। फिलहाल के लिए इतना ही, लगातार बनिए हमारे साथ।